एक दाना का कौल है, जो शख्स साथ अमर साथ के बगैर करे तो उसे कोई फायदा नहीं। नंबर एक खौफ पर अमल करे लेकिन बचे ना, यानी ये तो कहे कि मुझे अजाब खुदाबंदी का खौफ है लेकिन गुनाहों से ना बचे तो उसको इस बात का कोई फायदा नहीं। नंबर दो तलब के बगैर उम्मीद बांधे रखे, यानी ये तो कहे मैं सवाब खुदाबंदी का उम्मीदवार हूँ लेकिन इस सवाब को आमाल सालिया से तलब ना करे तो उसे कुछ फ़ायदा नहीं। नंबर तीन नियत तो करे लेकिन कसद ना करे, यानी सिर्फ दिल ही दिल में नेक आमाल करने की नियत करे और कसदन कुछ ना करे तो उसकी नियत का कोई फ़ायदा नहीं। नंबर चार दुआ तो करे लेकिन अमल की कोशिश ना करे, यानी अल्लाह से भलाई की तौफीक की दुआ तो करे लेकिन मेहनत और कोशिश ना करे तो उसकी दुआ उसे नफ़ा ना देगी। उसे चाहिए कि तौफीक खुदावंदी के हुसूल के लिए अमली कोशिश भी करे। नंबर पाँच अस्तगफार और तौबा तो करे लेकिन निदामत ना हो, यानी ज़ुबान से तो अस्तगफुरुल्लाह कहे लेकिन गुनाहों पर दिल में पशेमानी ना हो तो ये ज़ुबानी अस्तगफार उसकी किसी काम का नहीं, यानी बग़ैर निदामत के। नंबर छः जहर में लगा रहे जबकि बातन की खबर ना हो, यानी अपने को जहरी तौर पर तो दुरुस्त करे लेकिन बातनी एतबार से नफ्स पर कोई तवज्जो ना दे तो ये जहरी इसलाह किसी काम की नहीं। नंबर सात अमल तो मेहनत से करे लेकिन बग़ैर इखलास के करे और रज़ाए खुदाबंदी का तालिब ना बने तो बग़ैर इखलास के उसके आमाल उसे कुछ फ़ायदा ना देंगे। ये महज अपने आप को ही धोखा देना होगा।